वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से चैप्टर चल रहा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें से आज का टॉपिक है पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे रिलेटेड आपको 6-7 वीडियोज मिलेंगे, जिसमें से यह पाचन तंत्र से पहला वीडियो है एंड एनाटॉमी फिजियोलॉजी का यह 22वां वीडियो है। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो भी बिल्कुल फ्री में, एंड 100 से ज्यादा वीडियो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन पर भी बनाए गए हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन है कि ग्रास नली यानी फूड पाइप को क्या कहते हैं। तो ग्रास नली को आइसोफेगस बोलते हैं, ठीक है, आइसोफेगस बोलते हैं। यह क्या होता है, यह उपास्थि यानी कॉर्टिलेज का बना होता है, इसमें लचीलापन की क्षमता पाई जाती है, यह मुख गुहा को आमाशय से जोड़ती है। अब भोजन का इसमें कोई पाचन नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई पाचक ग्रंथि नहीं होती है, और इसमें छोटी छोटी श्लेष्मक ग्रंथियां होती है, जिसमें चिपचिपा पदार्थ म्यूसिन होता है, इसी कारण भोजन गले में चिपकता नहीं है, क्रमांकुंचन गति होता है इसमें, जिसके कारण जो भोजन होता है वो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट दोस्तों, ग्रास नली को आइसोफेगस के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसको गैलेट के नाम से जाना जाता है, गैलेट पाइप के नाम से भी, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व में नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना होता है निश्चित मात्रा में, और वसा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अनिश्चित मात्रा से बना होता है, एंड जो प्रोटीन होता है कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। तो किस पोषक तत्व में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो प्रोटीन से, प्रोटीन में, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, पूर्ण रूप से मनुष्य का भोजन कहाँ पचता है। तो मनुष्य का जो भोजन होता है पूर्ण रूप से पचता है छोटी आंत में, यानी इन स्मॉल इंटेस्टाइन में। और भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ होता है, दोस्तों हमारे मुख से ही हो जाता है। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि भोजन का पाचन कहाँ पे प्रारंभ होता है, तो मुख से। पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। मुख में हमारा टाइलिन नामक एंजाइम होता है, जो ग्लूकोज को स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, वहीं से आपका पाचन शुरू होता है। अपूर्ण रूप से पाचन आपका छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइपेज एंजाइम किसके पाचन में मदद करता है। तो दोस्तों, लाइपेज क्या है, जो अग्नाशय है, अग्नाशय से लाइपेज, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ये सभी एंजाइम्स निकलते हैं, जिसमें से लाइपेज जो होता है वह वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, वसा का, वसा को ग्लिसरीन या फैटी एसिड में बदलता है। नेक्स्ट दोस्तों, ट्रिप्सिन एंजाइम किस पोषक तत्व को पचाता है। तो ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है, ठीक है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है यह प्रोटीन में, प्रोटीन का पाचन करता है, यह भी आपका अग्नाशय से निकलता है, स्त्रावित होता है। नेक्स्ट दोस्तों, अग्नाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। तो कौन सा एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, तो एमाइलेज। जैसे कि एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ये तीनों निकलते हैं अग्नाशय से, जो यानी कि पैंक्रियास से। जो एमाइलेज होता है वह ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, लाइपेज वसा को फैटी एसिड या ग्लिसराल में बदलता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को अमीनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड में बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, अतिरिक्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट शरीर के में किस भाग में एकत्रित होता है। तो जो अतिरिक्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है वह लीवर में, यकृत में एकत्रित होता है ग्लाइकोजन के रूप में, और फिर जहां हमको किसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है किसी कार्य के दौरान, फिर वही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट दोस्तों, आइसोफेगस को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो गैलेट्स। नेक्स्ट है, जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, यानी गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं जो पाचन क्रिया में मदद करते हैं। तो दोस्तों, हमारे अमाशय में गैस्ट्रिक जूस होता है जठर रस, जिसमें पेप्सिन, रेनिन और पेप्सिन रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज यानी जठर लाइपेज, ये तीन एंजाइम पाए जाते हैं। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा, रेनिन, जठर लाइपेज एंड पेप्सिन, उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। जो पेप्सिन होता है वह HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में
प्रोटीन से संबंधित भोज्य पदार्थों पर क्रिया करके उसे पेप्टोन में बदलता है। जो रेनिन होता है दूध को कैसीन में बदलता है, रेनिन को मिल्क प्रोटीन भी बोला जाता है। एंड जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है वह कम मात्रा में उपस्थित होता है, या फैट्स यानी कि लिपिड को पचाता है। जैसा कि दोस्तों हमारे अमाशय में HCl होता है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भोजन के में जो अमाशय में 0.4% पाया जाता है। और जो गैस्ट्रिक जूस होता है जठर रस, वो आपका 99.6% पाया जाता है। गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन, ज़ेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम निकलते हैं। जो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वह भोजन एकदम गर्म रहता है, या क्या करता है भोजन के साथ आए हुए जहरीले पदार्थों, कीटाणुओं, कंकड़, पत्थर को गलाकर नष्ट कर देता है, तथा निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय एंजाइमों में बदल देता है। जो हम भोजन खाते हैं उसको मथने का काम करता है। नेक्स्ट दोस्तों कि जठर रस यानी गैस्ट्रिक लाइपेज से कौन सा एसिड निकलता है, तो एसिड कौन सा निकलता है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, यानी कि जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एंजाइम में आपका पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, ये चीज निकलता है। और जब हम को भूख लगती है तो अमाशय में यानी पेट में कुछ नहीं होता है, और यह HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है एकदम तेजाब की जैसे गर्म होता है। जैसे कि उसको हम त्वचा पे रखेंगे तो तुरंत त्वचा जल जाएगा, इतना ज्यादा गर्म होता है। तो जब हमको भूख लगता है, अमाशय में भोजन नहीं होता है, तो अमाशय की दीवारों को HCl जो होता है कुतरने लगता है। तो हमको लगता है कि हम कहते हैं कि पेट में चूहा कूद रहा है, यानी कि भूख लगी है। अगर ज्यादा दिन तक नहीं खाएंगे तो यही जो HCl होता है अमाशय की दीवारों को काट देता है और मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसकी दीवार की रक्षा करने के लिए म्यूसिन होता है, जो अमाशय की आंतरिक दीवारों की परत बनाकर HCl के प्रभाव से उसकी रक्षा करती है। तो एक दो दिन तक आप भूखा रहेंगे तो नहीं असर पड़ता है, बट ज्यादा दिन तक भूखा रहेंगे तो ये अपना प्रभाव खत्म कर देता है, और HCl जो होता है वह अमाशय की दीवारों को फाड़ देता है और मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, पित्त यानी कि बाइल किसको पचाने में मदद करता है, यानी पित्तरस किसको पचाता है? वसा को। यह वसा यानी लिपिड को पचाने में मदद करता है। जैसे कि दोस्तों पित्तरस का निर्माण होता है यकृत में यानी कि लीवर में, और पित्तरस का निर्माण तो लीवर करता है, स्टोर कहाँ करता है? निर्माण लीवर करता है, स्टोर पित्ताशय में होता है, गॉल ब्लेडर में। और किसका पाचन करता है? वसा का। कहाँ पे जाकर के मिलता है? ये छोटी आंत की पहले भाग, जैसे कि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डोडिनम, जेजुनम, इलियम। तो डेडिनम में आपका 2 नली जुड़ा होता है, एक अग्नाशय की नली जिसमें से आपका डेडिनम में मिलता है एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन, और एक पित्तरस की नली मिलता है, जो पित्तरस आकर के यहाँ पे भोजन को, वसा को पचाता है। और अग्नाशय से आने वाले एंजाइम जैसे कि एमाइलेज ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, एंड लाइपेज वसा को, एंड जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। इस प्रकार भोजन में मिल करके उस छोटी आंत में आ करके ऊर्जा में परिवर्तित होकर के छोटी आंत के बिलाई द्वारा पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया जाता है रक्त नलिकाओं के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों, इलियम कौन से तंत्र का अंग या भाग है? तो इलियम पाचन तंत्र का भाग है, वो भी छोटी आंत का। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। तो छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग है। नेक्स्ट दोस्तों, शरीर में दूध अंदर जाते ही किस एंजाइम की वजह से फट जाता है? तो दूध जो है हमारे अमाशय के जठर रस से स्रावित होता है रेनिन, जिसके कारण दूध अंदर जाते ही फट जाता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन कहाँ या किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो दोस्तों इंसुलिन जो होता है अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं के बीटा कोशिका से निकलता है। ठीक है, और यह इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। जब इंसुलिन की मात्रा यानी कि हमारे शरीर में इंसुलिन का क्या कार्य होता है दोस्तों? इंसुलिन क्या करता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीकरण करने का काम करता है। क्या करता है? यह कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीकरण करने में सहायता करता है, और कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में बदलता है।
इसके अल्प स्त्राव जब होगा, कम स्त्राव होगा, तो कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण ठीक से नहीं हो पाता है, और जब कम स्त्राव होगा तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा ज्यादा, तो क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाएगी और जिससे मूत्र में ग्लूकोज का उत्सर्जन होने लगेगा, जिसे हम मधुमेह यानी डायबिटीज कहते हैं। नेक्स्ट है एंटी डायबिटिक हार्मोन किसे कहते हैं, एंटी डायबिटिक हार्मोन किसे कहते हैं, तो इंसुलिन को कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आंत यानी एस्टेटाइन किस क्रम में होती हैं, यहाँ पे ऑप्शन है डेडुनम, जेजुनम, इलियम, कोलन, रेक्टम, इस क्रम में होती है। तो डेडुनम, जेजुनम, इलियम, ये तीनों भाग हैं आपके किसके, छोटी आंत के, फिर आपका कोलन आता है यानी कि बड़ी आंत, उसके बाद रेक्टम यानी कि मलाशय आता है, ये आपके क्रम में होते हैं। नेक्स्ट है मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज किसके कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट है मधुमेह रोग, नेक्स्ट है दोस्तों पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को नियंत्रित करने में नाड़िया यानी कि नर्व्स कहाँ से पाचन तंत्र में पहुंचती हैं, तो यह मस्तिष्क के अचेतन भाग व मेरुदंड से पाचन तंत्र में पहुंचती हैं, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है पाचन तंत्र में जाने वाली नाड़ियां यानी कि नर्वस सिस्टम कौन सा रसायन पदार्थ छोड़ती हैं, तो वह एसिटाइल कोलाइन व एडिनिलाइन एंजाइम छोड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों, कोलन किस तंत्र का भाग है, यह पाचन तंत्र का भाग है, ठीक है, सीकम, कोलन, मलाशय, बड़ी आंत का भाग होता है। नेक्स्ट दोस्तों, शरीर का वह भाग जहां से पित्त यानी कि बाइल निकलता है, तो कहां से निकलता है दोस्तों, यह यकृत से निकलता है, जहां से जाकर के पित्ताशय में स्टोर होता है, वहां से उसकी नली जुड़ी होती है छोटी आंत के पहले भाग डेडुनम में, जहां पे जाकर के वह भोजन में मिलता है, जिसमें जाकर के वह वसा का पाचन करता है। दोस्तों यह कहां से निकलता है, तो यकृत से, यहाँ ऑप्शन सही होगा बी। नेक्स्ट है शरीर में पानी का संतुलन कौन बनाए रखता है, तो हमारे शरीर में पानी का जो संतुलन होता है वह गुर्दा यानी कि किडनी बनाए रखता है। नेक्स्ट दोस्तों, शक्कर की बीमारी यानी शक्कर यानी कि डायबिटीज की बीमारी होने का क्या कारण है, तो डायबिटीज की बीमारी होने का कारण है पैंक्रियाज ग्रंथि का खराब होना, ठीक है, क्योंकि पैंक्रियाज ग्रंथि का खराब होगा तो इंसुलिन कम मात्रा में बनेगा, इंसुलिन कम मात्रा में बनेगा तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिसके कारण ग्लूकोज यानी कि शर्करा रक्त में बढ़ जाएगा और डायबिटीज हो जाएगा मधुमेह। नेक्स्ट है आंत रस को किस नाम से जाना जाता है, तो आंत रस को सक्स इंट्रिकस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है वसा यानी फैट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं, तो यह शरीर में ग्लिसरीन या फैटी एसिड में संचित रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रोटीन शरीर में किस रूप में एकत्रित होते हैं, तो प्रोटीन शरीर में अमीनो एसिड के रूप में एकत्रित रहते हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में होते हैं, तो ग्लूकोज के रूप में हमारे यकृत और पेशियों में, जैसे कि वसा एडिपोज टिश्यू के नीचे, प्रोटीन हमारे शरीर में अमीनो एसिड के रूप में, और कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज के रूप में हमारे पेशियों हमारे लीवर में होती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आलू का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो आलू से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, एमाइलेज, ठीक है, यहाँ पे एमाइलेज सही होगा। नेक्स्ट है शरीर अभ्यास से पाचन तंत्र पर मुख्य रूप से क्या प्रभाव पड़ता है, तो शरीर का जब अभ्यास करेंगे तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पाचन तंत्र पर, इससे यह प्रभाव पड़ेगा कि आंतों की मालिश से पोषक पदार्थों या न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण बढ़ जाएगा और चयापचय क्रिया यानी मेटाबॉलिज्म में सुधार होगा। ये दोनों ऑप्शन आपका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एमाइलेज एंजाइम क्या कार्य करता है, तो एमाइलेज एंजाइम क्या कार्य करता है दोस्तों, यह शर्करा तथा स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं दिया रहेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है दिया रहेगा तो वो भी सही रहेगा, क्योंकि यह शर्करा यानी तथा स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जलने पर कितने किलो कैलोरी प्राप्त होती है ऊर्जा, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के जलने से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है।
नेक्स्ट है, 1 ग्राम वसा जलने पर कितने कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसमें भी आपको वसा से 1 ग्राम के जलने पर 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 ग्राम प्रोटीन जलने पर कितना ऊर्जा प्राप्त होता है? तो 1 ग्राम प्रोटीन के जलने पर 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त। इस प्रकार आप समझ गए कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के जलने पर 4.1 कैलोरी एंड 1 ग्राम वसा के जलने पर 9.1 कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन के जलने पर 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट दोस्तों, बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? तो दोस्तों बॉडी बिल्डर यानी शरीर का निर्माण करने वाली न्यूट्रिएंट्स है प्रोटीन, ठीक है। ऊर्जा देने वाले कौन है? कार्बोहाइड्रेट वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा देने वाला न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन दिया है, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट वसा दोनों सही हो जाएगा, ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी। और शरीर निर्माण करने वाले कौन है? प्रोटीन। और शरीर की रक्षा करने वाले कौन है? विटामिन एंड खनिज लवण, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, कौन सा पोषक तत्व 1 ग्राम मात्रा में सबसे अधिक ऊर्जा देता है? तो 1 ग्राम की मात्रा में कहा जाएगा सबसे अधिक कौन देता है दोस्तों? वसा। और यहाँ पे पूछेगा सबसे जल्दी ऊर्जा कौन देता है? तो कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाड़ी को अपने भोजन में कौन सा पोषक तत्व अधिक खाना चाहिए? तो कौन सा पोषक तत्व अधिक खाना चाहिए खिलाड़ी को? तो कार्बोहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी स्रोत है, क्योंकि यह तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछेगा कि सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो वसा। तुरंत ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। और ज्यादातर हम लोग क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी बताइए। एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, और डेली बेसिस पे बेहतरीन तैयारी कीजिए। मेरे चैनल पर बने रहिए, और फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।